हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आप लोगों ने पहले के टाइम पे ये बातें तो सुनी होगी, पहले के टाइम पे क्या अब भी लोग ये सब करते हैं। जब भी बच्चा दूध पीता है तो उसके लिप्स को एक पिंक कपड़े से साफ़ किया जाता है ताकि वो जो दूध होता है वो बच्चे के लिप्स पे जमे ना और उसके लिप्स ब्लैक ना हो जाएं। इस वजह से बोलते हैं कि बच्चे के जो लिप्स होते हैं वो पिंक कलर के हो जाते हैं पिंक कपड़े से अगर उसको साफ़ करते हैं तो। मैंने अपने बेबी के लिए एक ऑर्गेनिक तरीके से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से एक लिप बाम बनाया है जिसको साफ़ तो मैं करती हूँ, उसके होट पिंक कपड़े से तो मैं साफ़ कर ही देती हूँ, और मैंने उसके लिए एक लिप बाम भी बनाया है जिसको मैं उसके होट पे अप्लाई कर लेती हूँ। अभी मैंने इसको नहलाया है सुहान को, तो अभी ये दूध मांग रहा है, बस इसको दूध दे दो और ये सो जाए। तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिप्स पे मैं अप्लाई करने से पहले मैं आपके लिए वो रेसिपी बता देती हूँ और आपको बता भी देती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको बनाकर इसको फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ है। आप इसको ज़्यादा दिनों तक तो स्टोर करके नहीं रख सकते हो, हाँ इसको 10-15 दिनों के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। आप अगर चाहें तो इसको दोबारा से फिर से बना सकते हैं, बट ये थोड़ा सा ही है तो काफ़ी टाइम चल जाता है। इसको 10-15 दिनों तक ही लगाना, उसके बाद आपको फिर से ये बनाना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पे गर्म होने के लिए, और उसके बाद मैं शाम को गई थी पार्क और मुझे जितने भी रेड पिंक फ्लावर मिले तो मैंने सब तरह के फ्लावर्स ले लिए, उन सबको वॉश कर लिया अच्छी तरह से। और गैस पर कढ़ाई गर्म होने के बाद उसके बाद मैंने इसमें 1.5 स्पून देसी घी का डाल दिया है। इसमें देसी घी अगर होममेड हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद मैंने बीटरूट लिया है आधे बीटरूट को मैंने क्रश कर लिया है बिल्कुल इस तरह से, और बीटरूट को इसके अंदर हम डाल देंगे, कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे। और जितने प्रकार के मैंने फूल लिए थे यहाँ पे वो सब भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और उन सबको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी ताकि इन सब का कलर इसके अंदर आ जाए और ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आपस में। इसको उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। उसके बाद मैंने सारा छन्नी में निकाल लिया था, उसके बाद मैंने इसको दबा दबा कर निकाला। इसमें बहुत ज़्यादा रस तो नहीं निकलता है, बिल्कुल थोड़ा सा ही निकलता है, बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी मुझे मिली है जिसको मैंने एक डिब्बी में स्टोर करके रख लिया। आपको एक बात का ध्यान ज़रूर देना है, ये बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में ही निकलता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि गर्मी है, ये घी से बना हुआ फ्लावर्स है और इसमें से स्मेल आने लग जाती है। सो अभी सुहान सो रहा है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसे इसके अप्लाई करना है। आपको इतना सा ही लेना है, बस ये इतना सा काफ़ी है। बस इतना सा ही आपको अप्लाई करना है।